ये वाली निकाल देना दो चार। सावन आ गया है ना तो इसी। हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे और हम भी सब यहाँ पर बढ़िया हैं। और आज मैं अपने काम से बड़े टाइम से फ्री हो गई थी, बट फ्री होने के बाद भी मैंने कितने घंटे आए थे, एक से डेढ़ घंटा मैंने आज बिग बॉस देखने में लगा दिया, क्योंकि आजकल बिग बॉस थोड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है। सो आप भी कई लोग देखते होंगे, तो उसकी जैसे एक से एक रील जैसे आती जाती है ना फेसबुक पर, तो मैं वही देखती रह जाती हूँ। पता नहीं चलता टाइम कितनी जल्दी निकल जाता है। और अभी बच्चों का वेट कर रही हूँ, दो से ज़्यादा हो गए बच्चे आने वाले हैं। चलो बच्चों को लेने चलते हैं बाहर। मैं पता है आ ही रही थी बिल्कुल, अभी एसी ऑन करने के लिए गई हूँ, बाहर से देखे भी कोई नहीं आया। इतनी देर तुम लोग आ जाते हो? मम्मा जल्दी लो, मम्मा दर्द हो रही है, सच बताओ। चलो चलो अंदर चलो, ये दर्द हो रहा है। आ जाओ बस, आ जाओ अंदर आ जाओ। अब कितनी दूर है, हाय कर दो सबको। हेलो गाइस, दीदी आपको कैसन हो? आओ, अब बस मैंने ब्लॉग स्टार्ट ही किया है, अब बच्चे भी आने वाले होंगे, बच्चों को लेने चलते हैं। ऊपर वाला काजल, थक गया मेरा बेटा। मैं आ रही, चलो कुंडा तो आप भी तो कुंडा लगा सकती हो। जब आपको पता है कि दीदी के हाथ में बैग है तो आप तो इतना कर ही सकती हो। कहाँ दर्द हो रहा है? क्या फट दिया है इसने? कुछ नहीं, बिल सही करती हूँ। ये है हुक है इसका, बेल्ट निकाल दू, निकालो निकालो बस, अब नहीं होगा कुछ भी। और बच्चों ने आते ही कर दिया टीवी स्टार्ट। मैंने रूम तो ठंडा कर रखा था ऑलरेडी, ये बैठे हुए हैं मेरे नंगे पुंगे से। बच्चे भी आके थोड़ी देर बाद कपड़े पहनते हैं, ये थोड़ा ठंडा हो जाए गर्मी से। हाँ, बाकी इन्होंने अभी अपने पापा को फोन करके मंगाए हैं समोसे, देखो लाते हैं या नहीं लाते। क्या बोल रही हो? हमने मंगवाए, झूठ मत बोल। हम इतने दिन से कौन कह रहा था समोसे ला दो समोसे ला दो? मुझे नहीं खाने होते, मैं थोड़ी खाता हूँ। तो तुम अपना खाओ, ही रखा तुम्हारा खाना। मेरे को समोसा, मम्मी रीशु के लिए है, मेरे को समोसे खाने, मुझे नहीं पता। मैं समोसा खाऊंगा, ये बहुत बच्चा गुंडागर्दी करता है ज्यादा। तो अभी तो मैंने थोड़ा सा ना आराम कर लिया, मुझे भर नींद आ गई थी काफी तेज, रात को सोते सोते बहुत लेट हो जाता है, कितना भी कर लो आप 12 1 तो मेरे तो बज ही जाते हैं, मैं लेट हो जाती हूँ। हाँ बेटा, बटर खा लो, कपड़े वपड़े पहन लो, ट्यूशन भी जाना है। और इनके पापा अभी तक आए नहीं है, उन्हें काफी लेट हो गया, और बच्चे समोसे के लिए बैठे थे, तो मुझे फिर बच्चों ने उठाया कि मम्मा हमें कुछ खाने को, तो मैं अब इनके लिए कुछ बनाती हूँ खाने को। पिज्जा तो नहीं बन रहा, सब इनके हर समय कुछ ना कुछ नई चीजें, पिज्जा चाहिए। चलो देखते हैं ना क्या खाने को चाहिए, और कुछ बनाते हैं टेस्टी इंटरेस्टिंग सा, टेस्टी टेस्टी यम्मी यम्मी। अभी मुझे सूजी मिल गई है, ये वाली, ये दूसरा पैकेट है, पहले जो रखा था ना उसमें चीटियां हो गई थी। सूजी का हलवा बना देती हूँ, ठीक है? ठीक है, बना दो। सबसे पहले तो मैं इसे कट करूं, और एक दिक्कत और है, गैस नहीं साफ हुआ था। गैस भी हो गई क्लीन, और आज मुझे घी भी रखना है एक बर्तन में, समझ में नहीं आ रहा कौन से बर्तन में रखूं, तो एक जो जिसमें रेगुलर रखती थी ना वो खाली हो गया है, तो जो रेगुलर वाला बर्तन था वो हो गया है खाली, तो मैं सोच रही हूँ उसी में ही रख लेती हूँ। हम ना पैकेट को यूज करने के बाद इसे यहाँ से चिपका देते हैं गैस से, जिससे कि इसमें कोई कीड़े वीड़े होने का डर नहीं रहता, और बिल्कुल फ्रेश रहती है सूजी। मैंने भी बाहर पैकेट से देखा था, वैसे तो क्लीन है बिल्कुल। बस इतना बहुत है। सबसे पहले मैं सूजी को ना भून लेती हूँ, थोड़ा सा ब्राउन कर लेती हूँ फटाफट से। तो ये सूजी हमारी भूनकर होगी रेडी,
और इसमें डाल दिया है पानी, और मैंने इसे दूर वाली गैस पर रख दिया है क्योंकि फिर इसमें से ना छींटे निकलते हैं ना, उनसे मुझे बहुत डर लगता है। थोड़ी देर के लिए इसे कवर करके रख देती हूँ। फ्लेम तो हो रहा है। बड़ी तेज प्यास लग रही थी और सोने के बाद इतना फ्रेश लग रहा है ना, इतना अच्छा लग रहा है, बहुत ही हल्का हल्का। चलो भाई, कंडीशन ये हो गई है हलवे की, बढ़िया सी, अच्छे से थिक हो गया ये। अब इसमें चीनी मिला देती हूँ मैं और घी डाल देती हूँ जल्दी, वरना है ड्राई फ्रूट मैंने कर नहीं पाए अभी मैं, इसके वरना ज्यादा टाइम लगे। फिर रेताक्ष मूवी बनाती है ड्राई फ्रूट के नाम से ना। खाओ, ये आ गया तुम्हारा हलवा, आपका भी लेकर आती हूँ। अरे देखो मेरा ये कि एक हाथ से मतलब दोनों गरम सा हो रहा था ना थोड़ा, इसलिए कैसे लेकर आती दोनों, अब एक एक करके तो लाऊंगी। टेस्ट करते हैं। चलो, बहुत बढ़िया। गरम है पहले, थोड़ा सा ठंडा हो। मैं तो चने और ये खा रही थी, ला रही हूँ बेटा। और अभी मैं जा रही हूँ सब्जी लेने के लिए मार्केट से, और इसमें है मेरे कुछ कपड़े जो और रीशू के, जिनमें जिप लगनी है, इनकी जिप खराब हो चुकी है, और जूती निकालती हूँ, यही वाली पहन लेती हूँ। सो अभी मैं चल लूँ। लॉक नहीं हो रही सही से ना। क्रीम चूड़ियां दे, ये वाली निकाल देना दो चार। सावन आ गया है ना तो इसीलिए चाहिए ग्रीन कलर की चूड़ियां, यही ज्यादा अच्छी लग रही है। एक ये है, एक ये है, देखने कौन सी। एक तो ये है, एक ये है ग्रीन, और एक ये है डार्क। ये वाली ज्यादा अच्छी लग रही, मुझे ये ज्यादा अच्छी लग रही थी, थोड़ा डार्क है ना ये। हाँ एक ऊपर भी है, वो कट में है, वो दिखा रही थी। फर्स्ट टाइम ही आई हूँ अभी शॉप पे। अभी तो कड़ों का कलेक्शन आप और देखोगे ना। अच्छा, मेन हमारा राजस्थान वगैरह से वही लेने आएंगे किसी दिन। चूड़ियाँ तो ले ली हैं मैंने, अब लेते हैं सब्जी। तो अभी मुझे लेने हैं रिशु के लिए फ्रूट, रिशु ताक्षी, वो उस दिन जो हमने फ्रूट लिया था बाबू को सब बहुत पसंद आया था, स्पेशल बोला कि वो वाला फ्रूट तो जरूर लेकर आना। एक कर दो। हाँ, ये ले लिया हमने फ्रूट भी, अब खाली सब्जी रह गई है ना। आज सब्जियों का कैसा भाव चल रहा है? कैसा भाव चल रहा है? हाँ तो है, नाम पूछो, ना पूछे नाम, पूछो नाम पहले सब्जी का। वही टमाटर बताओ, टमाटर 80 तो समझ जाओ वही भाव चल रहा था। 100 रुपए हो गया था, कोई राहत नहीं है। 100 रुपए 20 रुपए कट गया होगा, 100 रुपए हो गया था जी। तो सही अभी बारिश पड़ती है ना, 100 रुपए हो गया। आलू कर देना 2 किलो, आलू कर दे दो, चिकन दे दो, और एक गोभी मिक्स वेज बना लेंगे। गोभी लो, ये वाली अच्छी लग रही है एकदम। और कैप्सिकम ले लेना थोड़ी सी, एक पाव कैप्सिकम कर देना, नूडल्स वगैरह में काम आ जाती है। दो में जोर से चला। भिंडी कैसे दी? भिंडी 40 की। कितनी? 40 की आधा। आलू क्या भाव अंकल जी? 1 किलो। आलू, आलू 40 बाद दिया मैंने आपको। भिंडी सबसे सस्ती हो रही है। भिंडी वाला देते हैं अंकल जी, इतने महंगे ले गए हम आइलैंड जाएंगे। वो 40 रुपए हैं, ये 30 ले लो। मैं तो ले लेता हूं, तो बात अच्छा आ गया। इनमें क्या अंतर है इन वाले आलू में? आलू में ट्रैक्टर ये ले लो। सब्जी मैंने अभी ही रख दी है, बाद में लगाऊंगी सब्जी को,
अभी हम जा रहे हैं हॉस्पिटल और ग्रोसरी का सामान लेने के लिए। तो हॉस्पिटल तो मुझे जाना है क्योंकि एक भैया हमारे जानने वाले, उनको देखकर आना है। वो हॉस्पिटल में एडमिट है, क्या बात होगी वो भी पता कर लेंगे, उन्हें देख भी आएंगे। और बाकी बच्चे रुकेंगे पापा जी के पास। अभी हम बस थोड़ी देर में हॉस्पिटल पहुंचने वाले हैं भैया को देखकर, तुरंत फिर हम वापस लौटेंगे और अपना घर का जो सामान है लेकर पहुंचेंगे घर। सो ये रहा हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल में पता नहीं मैं क्या बुलाऊं। सो ये हम पहुंच गए हॉस्पिटल में, अब मिलते हैं भैया से जल्दी से। हम भैया से मिल लिए और उनकी तबीयत काफ़ी ठीक है, थोड़ा उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया था इस वजह से वो एडमिट हुए थे यहाँ पर। सो भाई अपनी हेल्थ की ना सबको केयर करनी चाहिए, अच्छे से खाओ पियो और अपना स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखें सब। जितने हॉस्पिटल के चक्कर कम लगे ना वो बेहतर है, ज़्यादा हॉस्पिटल का तो बस ये सोचो नाम ही खतरनाक है, जिस पर बीतती है ना उसे ही पता रहता है। और यहाँ पर मैं पहुँच गई ग्रोसरी स्टोर पर, वहाँ से मैंने अपने घर का सामान लिया। भैया पोहा जिसमें मसाला आता है साथ में ये क्या पास्ता, बस इनके आते इनकी डिमांड स्टार्ट। पास्ता रख लिया मैंने, ये रख दो दोनों, जीरा रख दो और ये रख दो, अजवाइन भी। हाँ ले लो चिज्जी जो लेनी है, ये वाला है हाँ इसी में ही है। अभी जो सामान याद आ रहा है फिर कुछ लिख तो रखा था मैंने, हल्दी वेट हो रहा है, एक इसमें ब्रेड का पैकेट और रखते हैं। आ मुझे लेती अंकल जी नमस्ते। चलो भाई क्या हुआ, चूहे पैर रख गया, चूहा मरा है। अभी हम आ गए घर और घर आने के बाद सारा सामान अभी हमारा ऐसे ही फैला हुआ है ये देखो, बट मैं ये लगाऊंगी बाद में, पहले हम बनाते हैं खाना। डॉक्टर साहब मेरे साथ सब्जी बनवा रहे हैं, मैं फटाफट से आटा लगाती हूँ। सो गाइज यहाँ पर हमारा खाना पीना सब हो गया, पीछे चल रहा है सीरियल, भाभी जी घर पर है। और इसी के साथ आज का ब्लॉग मैं यही एंड करती हूँ, कल मिलूंगी आपको एक नए ब्लॉग के साथ। सो बाय, हैव अ नाइस डे एंड नमस्ते। और अगर ब्लॉग आपको पसंद आया हो, पसंद ही आया होगा अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो ब्लॉग को लाइक करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब करना चैनल को। बाय।